उसमें होने वाला है, उसमें जो शुगर वगैरह जाती है और यदि हम लोग उसका कंजम्पशन डेली यदि बहुत है तो डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल। हाई, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग नागपुर टुडे। इन दिनों बढ़ते कॉफ़ी कल्चर के बीच हमने रिसेंट एक वीडियो स्टोरी में इन बेवरेजेस में यूज़ किए जाने वाले शुगर कंटेंट को हाईलाइट किया था। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉफ़ी इज़ बैड और नॉर वी आर टचिंग द टॉपिक ऑफ कैफीन इन इट। हमारा एम बस यूथ में अवेयरनेस लाना है ताकि अगली बार जब आप अपनी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर करें तो आपको पता हो कि उसमें यूज़ किए जाने वाले शुगर कंटेंट का लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पर क्या असर होगा। इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं मिडास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परसोड़ी के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद देशमुख से। हेलो सर। हेलो। सो सर, माय क्वेश्चन फ्रॉम यू विल बी, सर आजकल कॉफ़ी कल्चर का ट्रेंड बहुत जोर पकड़ चुका है, इसमें टेस्ट एनहांस करने के लिए तरह तरह के सिरप्स यूज़ किए जाते हैं, रिफाइंड शुगर की क्वांटिटी भी हाई होती है, किसी भी हेल्दी पर्सन में खास तौर पर टीनएजर्स में किस तरह के इसके साइड इम्पैक्ट्स होते हैं और ये लॉन्ग टर्म में कितना डेंजरस हो सकता है? शुगर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कॉफ़ी में वापरे जाते हैं, इनका लॉन्ग रन में बहुत बुरे असर होते हैं शरीर पे। ऐसे दिखाया गया है कि उससे हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं, उससे कैंसर रिस्क भी बढ़ती है, उसके बाद में स्ट्रोक्स का इंसिडेंस इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और ब्लैडर के कैंसर पे भी वो लिंक किया गया है। तो शॉर्ट एक आधे बार यदि आप कंज्यूम करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं रहेगा, लेकिन बार बार कंजम्पशन में और डेली कंजम्पशन में वो हार्मफुल लॉन्ग रन में होता है, ये ज़रूर जानना ज़रूरी है। सिवाय यदि आप मल्टीपल कप्स ऑफ टी या कॉफ़ी लेते हैं और उसमें शुगर लेते हैं तो शुगर से वज़न बढ़ता है, शुगर से डायबिटीज़ होता है, वज़न बढ़ने से डायबिटीज़ होता है और हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये वापरना बहुत उचित नहीं होता है। अभी दो दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने सभी ई कॉमर्स कंपनीज़ को एक सर्कुलर दिया है कि वो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट और हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से बाहर रखे एज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर। ऐसा कुछ स्वीटेंड कॉफ़ी और दूसरे एरेटेड ड्रिंक्स के बारे में कहा जा सकता है? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन सर। ये हेल्थ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बैन किए हैं, वो तो ठीक ही हुआ है, इसलिए कि ये हेल्थ प्रोडक्ट करके जो प्रमोट किया जाए, ये बॉर्नविटा बोलो, हॉर्लिक्स बोलो, वो हेल्थ प्रोडक्ट्स करके उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स हमें मिलती है वो उतने नहीं होते हैं, जो हमारी बॉडी की नीड जो रोज होती है उतनी वो मीट नहीं कर सकते, उतने उसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी होती है। सिवाय उसमें जो स्वीटनर्स वापरते हैं वो स्वीटनर्स भी हमारा डेली कंजम्पशन ऑफ शुगर उससे बढ़ेगा और उससे शुगर रिलेटेड जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बॉडी में होने वाले हैं वो तो होने वाले ही हैं, तो उसको हेल्थ प्रोडक्ट करके प्रमोट करना ज़रा मुश्किल है। सिवाय दी जो कमर्शियली अवेलेबल जो बॉटल्ड ड्रिंक्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हार्मफुल, उसमें शुगर का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है और वो शुगर भी हार्मफुल होती है, उससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है लेकिन हमारा शुगर और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ते जाता है, उससे शुगर से होने वाले बुरे जो परिणाम होते हैं, हम लोग वैसे भी इंडिया में दुनिया से सबसे ज़्यादा शुगर खाने वाले लोग इंडिया में ही हैं और दूसरे कंट्रीज़ में इतना सॉल्ट और शुगर खाने वाले लोग दिखते नहीं हैं। जो डेली डेजर्ट्स खाने वाले, दूसरे आप यूरोप में जाएँ तो वहाँ पर जो डेजर्ट्स वगैरह जो मिलते हैं उसमें क्वान्टिटी ऑफ शुगर बहुत कम होती है, उनका शुगर कंजम्पशन बहुत कम है, हम लोगों का शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो कॉफ़ी और चाय में 3-3 चम्मच शक्कर लेते हैं या इवन आर्टिफिशियल शुगर्स वगैरह डालते हैं तो वो सब ऐड होते जाता है, उससे वेट गेन होता है, उससे परिणाम उसके शरीर पे बुरे होते हैं, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। सर, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू ऑल द कॉफ़ी लवर्स आउट देयर, इवन इंक्लूडिंग मी? कॉफ़ी ये वैसे इसलिए लिया जाता है कि इट इज़ अ स्टिम्युलेंट ड्रिंक, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा लेने से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में भी परिणाम होता है। कॉफ़ी इंक्रीजेस एसिड सिक्रेशन और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन लोगों को अल्सर डिजीज रहता है या जिन लोगों को एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है, उन लोगों ने कॉफ़ी तो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए और एक लिमिटेड क्वांटिटी तक के ठीक है, लेकिन दूसरे उसके कुछ ऐसे फ़ायदे नहीं हैं। हेल्थ रिलेटेड, इट इज़ नॉट अ हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, उससे हमारे हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा परिणाम, पॉजिटिव परिणाम होने वाला नहीं है।
और उसमें होने वाला है, उसमें जो शुगर वगैरह जाती है, और यदि हम लोग उसका कंजम्पशन डेली यदि बहुत है तो डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन सर। मोस्ट वेलकम सर।